टू मेरी अपनी पसंद केटीबी ज्वेल पैलेस। रांका ड्रेसेस अपोजिट विजय होटल लोहारवाड़ी रायचूर। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर के शीशमहल चौक पर, जो कि हिराना चौक भी कहलाता है, वहां पर गुज़िश्ता कोविड के दिनों से तरकारी फरोख्त की जा रही थी। चूंकि यहां पर तरकारी सस्ती मिलती है, लिहाजा दिन के अवकात में यहां पर काफ़ी भीड़ भी देखी गई। कल अचानक पुलिस ने यहाँ आकर 3 बजे के करीब तमाम तरकारी फरोख्त करने वालों को वहाँ से हमने ये ताकीद की कि कल से वो यहाँ पर तरकारी फरोख्त ना करें। चूँकि उस्मानिया मार्केट खुल गई है, लिहाजा यहाँ वहाँ के नुक्कड़ बाजारों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि वहाँ पर तरकारी फरोख्त करने वाले तरकारी ताजरीन और वहाँ की आवाम का यह कहना है कि इस जगह पर तरकारी फरोख्त करने को यूँ ही जारी रहने दिया जाए। इसकी 2 वजूहात बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यह है कि उस्मानिया तरकारी मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर तरकारी काफ़ी सस्ती मिल रही है। इसके एक मिसाल भी पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर टमाटे 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, जबकि उस्मानिया तरकारी मार्केट में 20 रुपए से 25 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। यही वजह है कि आवाम यहाँ पर आकर तरकारी खरीदना चाहती है। इसके अलावा इस चौक से मुलाकात तकरीबन 3-4 बल्दिया वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 15, 14, 13 और 16। इस वार्ड की आवाम को यहाँ पर तरकारी खरीदने के लिए काफ़ी नज़दीक होता है, लिहाजा आवाम चाहती है कि वो यहाँ पर दिन के अवकात में आकर तरकारी की ख़रीदारी कर सके। इस वजह से यहाँ के तमाम तरकारी ताजरीन ने यह मुतालबा किया है कि इस जगह पर तरकारी फरोख करने के मामले को यूँ ही रहने दिया जाए और उन्हें तरकारी फरोख करने दी जाए। इस सिलसिले में उन्होंने नुमाइंदा रुकने बल्दिया रवि जालदार से भी मुलाकात की। इस मौके पर रवि जालदार ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि कोविड के दौरान कई अपराध ने यहाँ पर तरकारी फरोख्त करने का कारोबार शुरू किया था, जिसके लिए मैंने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर वेंकटेश कुमार से कहकर यहाँ पर तरकारी फरोख्त करने की इजाज़त दिलाई थी। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर तरकारी फरोख्त की जा रही थी। रवि जालदार ने मजीद कहा कि चूँकि अब सिटी बसेस और उस्मानिया तरकारी मार्केट दोनों भी आगाज हो चुके हैं, यहाँ पर सिटी बसेस और आवाम का आना जाना भी काफ़ी तादाद में लगा रहता है, जिसकी वजह से शायद बल्दिया ने या फिर महकमा पुलिस ने यह सोचा होगा कि इससे आवाम को और ट्रैफिक को दुश्वारी होगी। इस वजह से उन्होंने आज ये इकदाम किया और यहाँ पर तरकारी फरोख्त करने वालों को हटाया गया। इन्होंने कहा कि वो बल्दिया कमिश्नर से और रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल से बात करते हुए इन्हें यहाँ पर तरकारी फरोख्त करने की इजाज़त दिलाएंगे और उन्होंने ये कहा कि सुबह 9:30 तक तरकारी फरोख्त करने की वो इजाज़त दिला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वार्ड की और दीगर वार्डों की आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पर तरकारी फरोख्त किया जाना नहायत ज़रूरी है। सुबह के अवकात में खवातीन यहाँ पर आकर ज़्यादा तादाद में तरकारी खरीदती हैं, चूँकि घरों के ये खरीब होता है, लिहाजा खवातीन काफ़ी तादाद में यहाँ आती हैं और खवातीन की सहूलत के लिए और आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पर तरकारी फरोख्त करने दिया जाना नहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जिस तरह उस्मानिया तरकारी मार्केट के तरकारी ताजिरान बल्दिया को टैक्स अदा करते हैं, उसी खतूत पर यहाँ के ताजिरान को भी मैं इस बात पर राज़ी करूँगा कि वो भी बल्दिया के लिए टैक्स अदा करे अगर बल्दिया तलब करती है तो। फिलहाल उन्होंने ये कहा कि वो रुकन असम्बली से और बल्दिया के जिम्मेदारों से गुफ्तगू करते हुए यहाँ पर तरकारी का कारोबार करने की इजाज़त दिलाएंगे और ये सुबह 9:30-10 बजे तक यहाँ पर तरकारी फरोख्त कर सकते हैं। आज आप लोगों को उठाया गया ना, किस वजह से उठाया गया? भाई वजह ये है, यहाँ तरकारी जो है मार्केट से बहुत सस्ती देती जी, पहली वजह। और एक क्या है, अपने वहाँ मार्केट लेते भी नहीं जा रहे थे, इस वजह से नहीं जा रहे थे, तरकारी यहाँ सस्ती मिल गई, जिनके वो नहीं जा सकते वजह से मार्केट वाले पूरे एक को है ना, ये ट्रैफिक हो रहा वो हो रहा, उनकी कंप्लेंट देने कैसे उठाने लगा है। और तुम्हारे को और एक वजह क्या है, वही टमाटा हमें यहाँ 10 रुपये किलो बेचे तो मार्केट में 20 से 25 रुपये किलो बेच रहे, मालूम कर सकते क्या जी? हमें तकरीबन 3 महीने से टमाटर 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, मार्केट चालू हो 15 दिन हुआ, 15 दिन 20 रुपये किलो टमाटर बेच रहे जी। यहाँ सस्ती मिलती तरकारी बोल को हर कोई इधरी चारा तरकारी लेने, सबसे बड़ी वजह ये है कि तरकारी सस्ती मिलती और अच्छी भी मिलती क्या, ये वजह से पूरे मार्केट वाले ये सो को अरे हमारा पूरा धंधा ये लोग ये कर रहे बोल के उन्होंने डबल रेट में बेचने की वजह से बेचना बोल के सोच के हमारे लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये मार्केट वालों का काम है? हाँ, मार्केट वालों का काम है। अच्छा, और उनको हमारे से क्या परेशानी होती बोलो भाई? बिल्कुल, और तकरीबन 100-150 औरतें है जी, औरतें ज्यादा है, अभी लोग 50 साल के औरतें ज्यादा है,
क्या बोलते वो लोगों को भी क्या भी परेशानी नहीं है, आप बैठो आप दुकान में आके भी पूछ सकते हैं पूरी क्या बोलते वो लोग यहाँ बैठना चाह रहे हैं जबरदस्ती लग जाओ मार्केट में बिठा उन लोगों को लेडीज हाँ वो लेडीज अच्छा क्या टाइम पे आगे उठाए आज आपको आज भाई 3 बजे आए थे आगे उठाए आप लोग कुछ तो लेके गए क्या तरकारी वगैरह उठा लेके गए तरकारी क्या भी नहीं बोले और हमारी इंटीमेशन भी नहीं दिए क्या ऐसा क्या भी नहीं बोले पहले भी नहीं बोले 10-15 हजार 20 हजार 30 हजार का जो भी जितना माल लाया है सब परेशान हो गए पहले तो बोले तो हम लोग जाते थे इंतजाम कर लेते थे बिल्कुल ये जो है मार्केट वाले हो ना बोल के जान बुझ के करे ये लोग आप परेशान होना लोग मर गए आज लोग लाके परेशान उठा के इधर इधर जाके लाके धंधा करे सारे परेशान कर दिया पुलिस वाले ने क्या आज तक हमारे कुछ नहीं करे थे इनकी लोग शिकायत में आके परेशान करे क्या भी हमारे उनके मार्केट वाले से क्या शिकायत नहीं क्या भी नहीं हमारे शिकायत कर रहे अल्लाह ताला उनको भी दे रहा हमारे भी दे रहा जो उनकी भी रोटी चटनी चल रही है हमारी भी रोटी हमारे क्या कुछ मार्केट नहीं है यहाँ 18 महीने से लॉकडाउन से जो कर रहे धंधा हर लोग को पब्लिक को सहूलत दिए इधर से लाए तरकारी इधर से लाए उधर से लाए कोई गांव छोड़ के जाके ला गए ना उनकी सहूलत दिए उन्हें भी खा के आराम है हमें भी खा के आराम है हमारे भी बच्चे जोर बच्चे याद कर रहे ठीक है आपका नाम मोहम्मद खासी आपका नाम मोहम्मद आपका नाम आपका मोहम्मद आपका नाम शहर में ईरणा सर्कल सुषमल सर्कल वहां पर कोविड-19 के वजह से कम 1.5 साल हो गया वहां पर गरीबों तरकारी बेचने वाले रायता कम से कम 70-80 दुकानें छोटे छोटे दुकानें डाल के रोज का रोटी कर लेंगे जी रहे थे कर लेके इन लोगों को कल रात में यानी आज अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे पुलिस आके सबको भेज दिए इस पर लेकिन हम ऑलरेडी हम एमएलए से अपील कर लिए थे यहां पर जो रोज का रोटी चल रहा है हमारे जहराबाद मंगलौर पेट जीडी तोटा जानी मोहल्ला अशोक नगर यरगर लेआउट में जो छोटे छोटे व्यापारी है बस 1000-2000 का तरकारी लाके 500-600 जो कमा के जाते थे वो लोगों को अकाले बोले तो हमारे बहुत दुख की बात हो गया क्यों बोलते मैं आज बेंगलोर में था अभी जस्ट बेंगलोर से आया मैं इमीडिएट आके मैं कंसल्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी विनती कर लिए हम इसके वजह क्या है बोले तो वार्ड नंबर 13, 12, 14, 15, 16 और 3, 17 भी ये 3-4, कम से कम 6 वार्ड लोग औरतें आके जो तरकारी लेके जाते घर वाले आके बच्चे आके अंदर बाजार को जाके आने को तकलीफ होता बल्कि घर वाले से आके आके इमीडिएट जो लेते थे ये टोटली फायदामंद हमारा 6 वार्ड ऑफ पब्लिक को भी फायदा हो गया इसमें और छोटे छोटे जो रोजगारी जो चल रहा था कोरोना की वजह से जो बंद हो गया था वो लोग जो तरकारी भेज रहे थे उनको भी एक सहूलत करके दिया था लास्ट टाइम हम वेंकटेश कुमार डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर लेते उन्होंने पाबंदी डाल के 3-3 फीट गैप दे के बिठा लेके सही कम कर लेके जाओ बोलकर बोले थे लेकिन जो रशअप होने से वजह से आज निकालो बोल के ट्रैफिक भी प्रॉब्लम होएगा शायद हम ट्रैफिक पुलिस के लिए भी हम माफी चाहते हैं पब्लिक की तरफ से हमारे रोज का जो तरकारी बेचने वाले की तरफ से हम माफी चाहते हैं और म्यूनसिपालिटी कद तक जो हम अभी हमारे सब तरकारी जो बेचने वाले हैं उनको बुला के समझा के जो ट्रैफिक जो स्टार्ट हो गया है और सिटी बसेस जो स्टार्ट हो गया है उसको किसी तरह इफेक्ट नहीं हुआ सरकार अगर बैठने का रहे तो 9:30 तक टोटली कंप्लीट हो जाना तरकारी बेचने का क्यों बोलते हैं मॉर्निंग टाइम जो तरकारी लेने औरतें जो आते थे उनको भी एक सहूलत होता है इसलिए हम म्यूनसिपल कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया है और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है पुलिस डिपार्टमेंट को और हमारे एमएलए साहब को भी रिक्वेस्ट किया है उन्होंने भी एक मौका दिया है इसलिए हम आज जो इतने लोग जो है यहाँ पर जमा हो गए हैं 60-70 लोग हैं ये लोगों का रोजगार रोटी मारने का नहीं बोल के हम सबसे
विनती करेंगे ऑफिशियल से और हम भी उनके साथ रह के इनको सपोर्ट करके 9:30 तक बेचने को एक मौका दीजिए। अगर वैसा क्या तो नगर म्यूनसिपालिटी को अगर क्या तो इनके तरफ से टैक्सेस जो कमी पड़े बोले तो इनको भी जो फिक्स करने करे तो फिक्स कर सकते, वो भी क्या है हम इन लोगों को बोल के इनसे म्यूनसिपालिटी को भी जरा जरा आए से इसमें रुपए में 10 पैसे म्यूनसिपालिटी बनने करे तो उनको भी क्या दिक्कत नहीं होगा, उनका रोज का रोटी मिल रहा है बोले तो उनको म्यूनसिपालिटी को भी देने लगाएंगे बोल के हम कोशिश करके लोगों को सबको हम समझा रहे। बस इतना ही हम विनती कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपालिटी को और एमएलए साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे। बस कल से 4 बजे मॉर्निंग मैं खुद आऊंगा और इनको सेटल करके जाना बोल के मैं लोगों को समझाने के लिए सबको आयस है, मैं समझा इस है, कल मॉर्निंग आके हम सेट करेंगे इंशाल्लाह सही सलामत कर ले जान दे बोल के मेरे लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस आपका नाम सर? रविंद्र जल्दार। वालों स्क्रिप्ट देखो जी, मैं फिर मैं नहीं आता देखो तुम्हारे लिए लास्ट क्यों फिर बात ले सीरियस ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಏನಂತ ನಮ್ ಕಡೆ ಕುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಲೇಬರ್ ಕಲ್ಸಿ ಯಾರು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿಪ್ಪಲ್ಲ ನೋಡೋದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಎತ್ತಾಗ ಬಂದ್ಬೋದು ಅಂತ 9:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಕರ್ನ ಜೋ ಬಚ್ಚೆ ರಥ ಬೇಸ್ಟ್ ರಥ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ವಾಳಿ ಬೋಲ್ಕೆ ನಿಕಾಳೆ ಸೀದಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕರ ಸಬ್ಕೋ ಮಾಸ್ಕ್